सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि आज और थंबनेल में कि हम मी नोट 10 प्रो जो डिवाइसेस एमआई का शाओमी का लॉन्च हुआ था उसकी थीम निकल कर आ चुकी है, क्योंकि उसकी थीम बहुत ही बेस्ट थी। आज रियलमी या ओप्पो के डिवाइसेस में आप उसकी थीम्स को कैसे इंस्टॉल करें तो इस वीडियो में वही बताऊंगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आपको उस फाइल को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि उस थीम्स की ओर पासवर्ड है और बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं भाई पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको मैं वीडियो के बीच में कहीं पर भी ऐड कर दूंगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप पासवर्ड को भी स्किप कर देंगे, आपको पूरी वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना रुके हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं मैं डिवाइसेस कौन सा यूज करता हूं। ये रही हमारी अबाउट फोन, और अब आप देख ले मैं रियलमी का जो 2 प्रो है वो डिवाइसेस यूज कर रहा हूं आपके सामने। ये रहा रियलमी का 2 प्रो। अब मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको उस फाइल को जाकर के डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस फाइल की ऐसी जिप फाइल देखने को मिलेगी एमआई नोट 10। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहां पर पूछेगा डिस्क कंप्रेशन पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने वीडियो के बीच में कहीं पर भी ऐड कर दिया है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा पासवर्ड भरने के लिए। सो फ्रेंड्स, पासवर्ड भरने के बाद आपके सामने ये फाइल खुद ब खुद डिकम्प्रेस होने के लिए आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट टू डिकम्प्रेस के ऊपर, और ये डिकम्प्रेस हो जाएगी और आपके पास एक फोल्डर बनकर आएगा ऊपर यहाँ पर, जो होगा एमआई नोट 10 प्रो के नाम से। इस थीम को अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं, इस थीम को जो क्रिएट किया गया है, इस थीम को जो क्रिएट किया है वो एक यूट्यूबर से है, एंड्रॉइड ट्यूटोरियल उन्होंने क्रिएट किया गया है। इस थीम का जो क्रेडिट है उनको जाता है। तो फ्रेंड्स, इस थीम को आप यहाँ पर टैप करके ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पासवर्ड आपको मैंने वीडियो के बीच में कहीं पर दे दिया है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर देखने नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक ट्राई नाउ का और एक की क्वेंस का। आपको ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और डू नॉट कीप के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर टेस्टिंग होगी और उसके बाद ये थीम जो है आपके डिवाइसेस में इंस्टॉल या अप्लाई हो जाएगी। तो ये टेस्टिंग हो चुकी है और ये थीम अप्लाई हो चुकी है। अब आप ये देख लें, ऐसी आपको लुक देखने को मिलती है, ऐसी लुक मिलती है। आपको एक बार अपने डिवाइसेस को रिस्टार्ट कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये इसकी आपको जो मिलती है लॉक स्क्रीन इस टाइप की देखने को मिलती है। आपको इसका जो क्लॉक स्टाइल है वो इस प्रकार का देखने को मिलता है। आप यहां पर से इसका लॉक ओपन कर लें। लॉक ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार के यहां पर आइकन्स देखने को मिलते हैं, नेविगेशन बटन्स और डायलर पैड आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। बात करें नोटिफिकेशन पैनल की तो ये रहा नोटिफिकेशन पैनल, और बात करें वॉल्यूम बार के स्लाइडर की तो आपको वॉल्यूम बार का स्लाइडर उसी भाई पर पुराना देखने को मिलता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको बता भी दूं सेटिंग्स की लुक, आपको सेटिंग्स लुक कुछ इस प्रकार के देखने को मिलती है। बता दूं आपको एक बार अपने डिवाइसेस को रिबूट करने के बाद इसमें आपको क्या क्या अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, ये रहा डिवाइसेस हो चुका है और अब करते हैं इसके लॉक को ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के यहाँ पर हमारे बटन देखने को मिलते हैं नीचे, और कुछ इस प्रकार का आपको जो नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, ये रहा नोटिफिकेशन पैनल। उसके बाद बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन की तो ये रही होम स्क्रीन। अब बात करें यहाँ पर इसके लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आपको सेम वैसी ही देखने को मिलती है, कुछ चेंजिंग लॉक स्क्रीन में ज्यादा नहीं है। वॉल पर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, वॉल्यूम स्लाइडर के बटन भी आपको वैसे ही देखने को मिलते हैं। अब सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स आपको वैसी ही मिलती है, और यहाँ पर बात करें डायलर पैड की तो डायलर पैड आपको मी आई का देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स का। कैमरा आपको वैसा का ही, कोई कैमरा में चेंजेस नहीं हुए हैं, और अब यही सेम आपको कुछ भी और ज्यादा देखने को नहीं मिलता। बात करें चार्जिंग एनिमेशन की तो आपके सामने फ्रेंड्स ये देख लीजिए, अपने डिवाइसेस को लगा रहा हूं चार्जिंग के ऊपर, अब देखते हैं कैसा आपको लुक देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये रही चार्जिंग एनिमेशन की न्यू लुक। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जो भी सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैंने जो पासवर्ड है वीडियो के बीच में कहीं पर भी दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।